नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे। आज की मेरी रेसिपी है आलू मटर पुलाव। तो आइए देखिए कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल सी और आसान रेसिपी है, पर बहुत टेस्टी है ये। मेरे मटर पुलाव की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देख लेते हैं कि हमें आलू और मटर का पुलाव बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। बहुत ही साधारण सी रेसिपी है, पर बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे मैंने ये चावल ले लिया है और चावल को मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रख लिया है और अब इसे पानी से निकाल लिया है। इसके बाद हमने लंबे स्लाइसों में कटी हुई 2 प्याज ली हैं और 4 हरी मिर्चें ली। हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया है। हरी मिर्चों को जब भी लें तो थोड़ा सा कट लगा लें तड़के के लिए, नहीं तो ये फटने का डर होता है। और ये मैंने मटर ले लिया है, फ्रेश मटर है। और यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है, 2 आलू कटे हुए मोटे मोटे पीसों में, और मैंने इन्हें पानी में डाल के रखा है। जब तड़का लगाना होगा तो निकालेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। ये मैंने अदरक और लहसुन को दरदरा कूटा हुआ ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिन्हें कट करके रख लिए हैं। हमें लाल टमाटर चाहिए इसके लिए। यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है और 1/2 नींबू लिया है। इसका रस हम डालेंगे आलू मटर पुलाव में। और यहाँ तड़के के लिए देखिए मैंने 2 तेज पत्ता लिया है। और यहाँ पे मैंने इलायची ली है 3, दालचीनी स्टिक ली है, 4-5 लौंग ली है और ये 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है। और इसके अलावा मैंने तड़के के लिए ऑयल लिया है और ये ले लिया है मैंने मसाले। तो यहाँ नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये हींग ले लिया है तड़के के लिए। अगर आप मटर पुलाव में, आलू मटर पुलाव में हल्दी पाउडर नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले ली है, हल्दी ऑप्शनल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे। गैस को हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पे 3 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है, तो अब हमारा तेल गर्म होने लगा है आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता डाल दिया। इसके बाद मैंने ये जो मसाले लिए थे तड़के के लिए, जीरा, इलायची, लौंग और दालचीनी स्टिक, वो डाल दी। इन मसालों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू मटर पुलाव का। और ये देखिए मैंने हींग भी डाल दी। हींग डालने के बाद मैंने डाल दिया है प्याज और कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं जो लंबे स्लाइसों में काट ली थी मैंने। और इसे मैं फ्राई कर लूंगी, अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जल ना जाए। इसके बाद मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसी में मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट ताकि इसका कच्चापन चला जाए और प्याज के साथ ये पक जाए। और आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा था, तो मैंने इन आलूओं को डाल दिया है इसमें। और अब मैंने गैस की फ्लेम को कम कर लिया है और इसे ढक दिया है। हमें आलू को पकाना है तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हम एक बार चला लेते हैं इसे। गैस की फ्लेम को लो पे रखें या फिर मीडियम पे रखें। और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ मटर और टमाटर ताकि आलूओं के साथ मटर और टमाटर भी अच्छे से पक जाए। अगर आप फ्रोजन मटर लेते हैं तो उसे बाद में डालें। हमारी ताजा मटर है तो इसलिए मैंने आलूओं के साथ ही मटर को भी डाला है ताकि ये भी पक जाए। और अब हम डाल देते हैं ये मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे जो मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं। और गैस फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर रखा है और मसाले और आलू अच्छे से इसमें पक जाएंगे, मटर भी पक जाएगी। आलूओं को पकने में टाइम लगता है तो इसलिए ढक के बार बार हमें पकाना पड़ता है। अब हमारे आलू थोड़े से हो चुके हैं, यानी 80% हो चुके हैं हमारे आलू। तो मैंने इसमें चावल डाल दिया और इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, तो इसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी पानी लिया है। जितना हमारा चावल है उसका डबल पानी है, क्योंकि हम ये आलू मटर पुलाव कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर हम इसे कुकर में बनाते तो पानी की मात्रा थोड़ी कम रखते।
कढ़ाई में बनाने की वजह से पानी हमें थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ा है और अब हम बाकी का नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे ढकेंगे नहीं, अगर आप बिना ढके पुलाव को बनाएंगे तो मटर का कलर बिल्कुल ग्रीन होगा, और अगर आप कोई भी मटर की सब्जी या मटर का पुलाव बनाते हैं और इसे ढक देते हैं तो मटर का कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हम बिना ढके बनाएंगे। आप देख सकते हैं मटर का कलर बिल्कुल ग्रीन है और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो पे ही कर रखा है अभी, ये देखिए, और आप देख सकते हैं अब पानी कम होने लगा है और चावल हमारे पक चुके हैं। इसे हम एक बार अच्छे से ऊपर से नीचे कर लेते हैं, चला लेते हैं, ये देखिए, और अब हमारे चावल पक चुके हैं, हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है बनके। और अब हमने डाल दिया है ऊपर से हरा कटा धनिया और पुलाव को मैंने बंद कर लिया है, और अब डाल दिया है मैंने नींबू का रस, इसे भी हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही नींबू का रस डालें, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है, और अब इसे ढक के हम 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो सर्व कर लेते हैं, आप देख सकते हैं मैंने 3 मिनट तक उसे ढक के दम पे पकने दिया था और अब मैं सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी पुलाव बनके तैयार है। आप इस आलू मटर पुलाव को किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं और बिना सब्जी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे। हमारे मटर पुलाव की यानी आलू मटर पुलाव की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।